भगवान राम की बहन शांता की ओर से हर साल अयोध्या में भगवान राम के लिए राखी भेजने की प्राचीन परंपरा आज भी जीवित है। यह विशेष परंपरा हिमाचल प्रदेश के कुल्लू और कर्नाटक के श्रृंगेरी में स्थित शांता और उसके पति श्रृंगी ऋषि के मंदिरों से निभाई जाती है। पुराणों के अनुसार शांता महाराज दशरथ और महारानी कौशल्या की पुत्री थी, जिन्हें राजा रोमपाद और उनकी पत्नी वार्षिणी ने गोद लिया था। शांता का विवाह ऋषि श्रृंगी से हुआ, जिनका नाम कर्नाटक के श्रृंगेरी शहर से जुड़ा हुआ है। रक्षाबंधन परंपरा। रक्षाबंधन के दिन शांता की ओर से भगवान राम को हर साल राखी भेजी जाती है। इस वर्ष भी हिमाचल प्रदेश के कुल्लू और कर्नाटक के श्रृंगेरी में स्थित श्रृंगी ऋषि और शांता के मंदिर से राखी अयोध्या भेजी गई। अयोध्या और अंबेडकर नगर जनपद के बॉर्डर पर स्थित प्राचीन श्रृंगी ऋषि आश्रम से महिलाएं गाजीबाजी के साथ राखी और छप्पन भोग लेकर राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास के पास पहुंची। इस राखी को विशेष रूप से सावन की शुरुआत से ही महिलाएं रेशम के धागों से अपने हाथों से तैयार करती हैं। राखी के निर्माण के दौरान वैदिक परंपरा के अनुसार पूजा पाठ किया जाता है। इस परंपरा के तहत भगवान राम के लिए भेजी गई राखी को रामलला की कलाई में बांधा जाता है, जो भाई बहन के पवित्र रिश्ते का प्रतीक है।